अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर अब्दुलहादी सो रहा है तो मैंने बोला कि ना मैं जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आज घर में इवेंट है, कज़िन की मंगनी है। तो बस मैं जल्दी रेडी होंगी और अब्दुलहादी को फिर उठा के रेडी करूँगी। और आप लोगों ने फुल ब्लॉग लास्ट में देखना है। तो आज का ब्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट। इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। यहाँ पर ना अब्दुलहादी अपने मामू के पास बैठा हुआ है तो मैंने बोला जल्दी से ना मैं अपने ना कपड़े ना आयरन कर लेती हूँ। और ये ना सुफियान ना कपड़े लेकर आ गया है और ना मेरे ना कपड़े फिटिंग नहीं हुए हुए थे, इस वजह से मैंने दिया और ये जल्दी से करवा के लेकर आ गया है। और मैंने ना ज्वेलरी निकाली है, मैं आप लोग को ज्वेलरी दिखाती हूँ। मैंने ज्वेलरी निकाली है और ये चूड़ियाँ निकाली हैं मैंने। और मैं ना ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती, बस तीन ही साथ में डालूँगी। या तो फिर अगर मुझे एंड टाइम पर मेरा मूड बदल गया तो फिर मैं एक हाथ में खड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट डालूँगी। और ये ना एयर रिंग है और ये रिंग्स हैं, जो बात है मामा मेरे लिए ना ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी लाती हैं। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ निकाल के, और फिर मैं आपको अपना आज का आउटफिट भी दिखाती हूँ, अब्दुलहादी का भी आउटफिट दिखाती हूँ। ये है मेरी ज्वेलरी और ये मामा ना खुद खड़े होके वहाँ से ना कलर करवा के लाई थी, ये जो नग है ना इस पर ब्लू कलर। और फिर मैंने उन्हें बता दिया था कि मामा ऐसे ऐसे इस टाइप की ज्वेलरी देख लें और ना उस पर ना अगर कलर नहीं हुआ हो तो आप कलर करवा लेगा। फिर मामा गई थी मार्केट, फिर मामा ढूंढ ढूंढा के ज्वेलरी लेकर आई है क्योंकि मैंने बोला था नीचे से छोटे छोटे से मोती हो। अब मैं देखती हूँ कि इसमें मैं कैसी लगती हूँ क्योंकि ये वाला जो है ना ये खाली एयर रिंग और ये बिंदिया ये सब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मतलब सेट वेट तो हम पहनते रहते हैं, मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हुआ है और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। और अब्दुलहादी का अभी तक के मैंने डिसाइड नहीं करा है कि वो क्या पहनेगा। अब्दुलहादी की अलमारी में मैं आ गई हूँ और मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनाऊँ उसे। अभी कोई होता है शेर व शरियार या फिर मेरे हस्बैंड या मामा तो मैं उनसे ही पूछती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये पहनाऊँ या फिर ये भी अच्छा है। अब देखते हैं क्या पहनेगा अब्दुलहादी एंड में। उसका तो 2 मिनट लगेंगे उसको तो तैयार करने में, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस मेरे हस्बैंड आ जाए फिर मैं उनसे पूछ के इसको पहनाऊँगी। ये है मेरा आज का आउटफिट, ये देखो। ये फ्रॉक है बस। और ये अब्दुलहादी का आउटफिट है आज का। और शरा उसने ये वाला डिसाइड करा है कि ये वाला अपना दो ग्रीन, और मेरा ये है। और मेरे हस्बैंड शायद नहीं जाएंगे तो उनका मैंने निकाला ही नहीं है कुछ भी। और अब मैं देखती हूँ इस आउटफिट में कैसी लगती हूँ। और ब्लू कलर तो अच्छा ही लगता है सब पे। तो बस अब मैं जल्दी से ना पार्लर के लिए रेडी होती हूँ और बस हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर बाद। और अब्दुलहादी किसके पास रहेगा क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। और अब्दुलहादी अभी तो अपने चाचू के साथ ना यहाँ लेटा हुआ खेल रहा है। और यहाँ पर बस अब हम लोग पार्लर के लिए निकल रहे हैं तो मिलते हैं पार्लर जाके। और दिखाना, ये देख ये अभी से तैयार हो गए, जाना 7 बजे, ये 2 घंटे पहले ही तैयार हो गए। कौन सी जिम्मेदारी है इतनी जल्दी तैयार हो गए, पता नहीं चश्मा कहाँ है। देखना और बताना है लास्ट में कि मेरा लुक कैसा लगा। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। और ये मेरा फाइनल लुक नहीं है अभी क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल अभी बाकी है, अभी मेकअप हो रहा है, उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल होगा और फिर देखते हैं फाइनल लुक क्या आता है। और माशाल्लाह मेकअप बहुत प्यारा हो रहा है। ये आपको मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ ना, आपने मेकअप किया है। और ये है मेरा फाइनल लुक। और आप लोग को सही से अगर दिख रहा हो तो आप लोगों ने कमेंट से बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब्दुलहादी को भी मैं अभी दिखाऊंगी कि वो कैसा रेडी हुआ है। और आज मैंने उसे रेडी नहीं करा था क्योंकि मैं पार्लर में थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप रेडी कर देना, क्या पता मुझे लेट हो जाए और ऐसा हुआ। क्योंकि हम लोग आए हैं 7:30 और हमें जाना था 7 बजे और हमने वहाँ जब तक के पहुँचेंगे ना तो समझो 8 बज जाएंगे। खैर थोड़ा सा लेट हो जाता है, चलता है। मैं अब्दुलहादी का भी आप लोग को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अब्दुलहादी भी रेडी हो चुका है और माशाल्लाह अब्दुलहादी बहुत प्यारा लग रहा है। शॉर्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा और फुल व्लॉग लाजमी देखिएगा। तो मिलते हैं वहाँ जाके। यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग यहाँ से बस निकलेंगे। अब्दुलहादी सामने देखो, अब्दुलहादी नहीं देख रहा भाई, नहीं देख रहा, वहाँ देख रहा। ये कौन है, ये नन्नू कौन है, ये नन्नू कौन है,
तो बस मिलते हैं वहाँ जाके। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और रसम रेडी हो चुकी है और अब्दुल हादी ने रोना स्टार्ट कर दिया है। अब्दुल हादी जहाँ रश्म होता है वहाँ उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। दिखाती हूँ चलो भाई मिठाई नहीं दूर दूर हो जाओ पर ना मैंने ना अब्दुल हादी को ना बच्चों के पास छोड़ दिया था ताकि वो खेलता रहे और मैं भी इंजॉय कर लूँ। तो यहाँ पर बच्चे सब खिला रहे हैं उसे। कैसे निकलेंगे और इसने बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ है तो मिलते हैं घर जाके। यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे और मैंने आते के साथ ही ना अब्दुल हादी के ना जल्दी से कपड़े चेंज कर दिए थे और फिर इसको ना मैं इसके नाइट सूट में ले आई हूँ। अब यहाँ पर अब्दुल हादी खेल रहा है तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।